हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार, आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें कि आपके पोल किया गया था सर्वे, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल और एसएनटी वालों के लिए भी और स्टेशन मास्टर वालों के लिए भी। तो चार दिन पहले पोल किया गया था, तो उसके बेसिस पे और पेपर के टफनेस लेवल पे मैंने ये कट ऑफ बनाया है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि ऐसा ही होगा, आप इसमें प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो आप लोग पोल देख लेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों ने क्या किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताने वाले हैं कट ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो यहां से देख सकते हैं, सबसे पहले तो वैकेंसी की बात करें अगर, तो जो इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी है वो देख सकते हैं टोटल 39 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए सिर्फ 18 सीट है, एससी के लिए 7 सीट हैं, एसटी के लिए सिर्फ 3 सीट्स हैं, ओबीसी 11 सीट हैं। आप समझ सकते हैं कि इतने कम सीट में, और जो आप सर्वे देखेंगे चाहे लोगों का कमेंट देखेंगे तो एबव 100 एबव 100 एबव 100 बहुत सारे लोगों ने एबव 100 एबव 100 बताया है। तो आप समझ सकते हैं इसमें कोई ना तो इंटरव्यू है ना ही कुछ है, तो कट ऑफ तो हाई जाने वाली है। इलेक्ट्रिकल वालों के पेपर भी ईजी था, तो अनरिजर्व का 18 है, देख रहे हैं सीट बहुत कम है। ये थे इलेक्ट्रिकल वाले की, अभी मैं पोल भी दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा अगर सिग्नल एंड टेलकॉम का देख लें तो 97 इनका थोड़ा सा ज़्यादा सीट है, 97 सीट है, जिसमें 48 अनरिजर्व का है, एससी 16 है, एसटी 8 है, ओबीसी 25 है। अब इनका सीट भी डबल से भी ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल, और पेपर भी टफ आया था, तो इनके ऑब्वियस कट ऑफ डाउन जाएंगे। सो अभी देख लेते हैं कि सर्वे में क्या है। DFCCIL हाउ मच स्कोर्ड इन DFCCIL एग्जीक्यूटिव SNT, ये 4 डेज एगो सर्वे किया गया था, इसमें 754 आदमी ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें क्या है कि हो सकता है कि ये लास्ट में हमने ये सर्वे डाला था और दूसरे ब्रांच वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी, स्टेशन मास्टर वाले भी, हो सकता है इसी में उन्होंने पार्टिसिपेट कर दिए हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10% लोगों का एबव 85 जाएगा। अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको आ रहे हैं मार्क्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पेपर का टफनेस, मैंने पेपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताया था आपको, और इसमें रोंग भी हैं, तो हो सकता है कि जिनका ज़्यादा जा रहा है तो रोंग वाले जो आंसर हैं उनके करेक्ट हुए हों, तो जिनके वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं रोंग वाले क्वेश्चंस, यानी कि जिसके ऑप्शन में गड़बड़ी है, चाहे आपके क्वेश्चन गलत हैं, तो ऐसे में लगभग 6 अराउंड क्वेश्चन हैं, 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उनके तो मार्क्स कम है, 6 to 7 मार्क्स, तो वो 6 to 7 मार्क्स बढ़ेंगे, प्लस होंगे, जो अटेम्प्ट नहीं किए थे वो क्वेश्चन तो पक्का है उनके बढ़ेंगे। तो ये आपके वेरिएशन इसमें आने वाले हैं। तो मैं यहाँ से देख सकते हैं 70 to 85 में 14% हैं, तो मैं इसको मान सकता हूँ 70 to 85 वाले, ये 14% वाले मुझे लगता है कि ये हो सकता है, और 85 वाले में मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप सर्वे का रिजल्ट आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, बाकी मैंने पेपर के अकॉर्डिंग आगे मैं बनाया हूँ। और इधर देखते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो 71 वोट्स हैं, और इसमें देख सकते हैं एबव 100 11% लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं 85 to 125% लोग हैं। इस सब रेंज में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इतने कम सीट हैं तो इनके काफ़ी हाई जाने वाले हैं, इनके कंपेरेटिव लो जाने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं, तो अनरिजर्व 18 सीट हैं, तो 98 प्लस मुझे लगता है कि जाएंगे, 100 प्लस भी जा सकते हैं, 105 भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने, क्योंकि अभी तो मैंने देखा नहीं है, और ना ही आपके DFCCIL वाले अभी बता सकते हैं, ना ही वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट की है एजेंसी बता सकते हैं कि क्या है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने वो लेते हैं। तो लेकिन 98 प्लस मुझे लगता है कि जाएंगे, 100 प्लस भी जा सकते हैं इसके अनरिजर्व के। ओबीसी 94 प्लस, एससी आपके देख सकते हैं 7 सीट ही हैं 88 प्लस, एसटी 3 सीट हैं ओनली, ये भी 88 प्लस, तो इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं, क्योंकि ये मैं पहले ही बताया कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सर्वे के अकॉर्डिंग है और बाकी आप लोगों के कॉमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप लोगों ने जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये है। और पेपर ऐसे इसका जो इलेक्ट्रिकल वाला था का था, पेपर इजी था, सीट कम है इसलिए ज़्यादा जाएंगे। एग्जीक्यूटिव SNT की बात करें तो पेपर टफ था, 6 से 7 क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हैं, ऑब्जेक्शन हुआ है, 6-7 क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं मार्क्स, तो सर्वे भी आप लोगों ने देखा ही है, सीट थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे लगता है 78 प्लस माइनस
थोड़े बहुत के कम तो नहीं लगता, कम भी जा सकते हैं, प्लस भी जा सकते हैं, तो डिपेंड करता है वो आंसर की के बाद क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करके कितने मार्क्स बढ़ाते हैं क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 78+ जो हैं वो सेफ हैं, मुझे लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और OBC में थोड़े से 2-3 मार्क्स कम, 75+ माइनस। SC के सिर्फ 16 सीट हैं तो 68+ माइनस, और ST 8 सीट हैं ओनली, तो ये 67+ माइनस। तो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ आपको इसके DFCCIL के वेबसाइट पे ही आएगा, जब रिजल्ट लगेगा तभी पता चलेगा। ये कोई भी आदमी प्रेडिक्ट ही करता है, आप लोग भी इसको समझिए, ये नहीं है कि ये आपको पोल भी मैंने दिखा ही दिया है, कोई मैं अपने तरफ से कुछ कह नहीं रहा हूँ, अपने तरफ से सिर्फ SNT वालों को थोड़ा सा कम दिखाया हूँ कट ऑफ, इसलिए क्योंकि पेपर उसका टफ था। तो डिपेंड करता है क्या होता है, अगर हो जाए आपके कम में भी तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा जाए तो इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना ही आप कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग अपना इस रेंज से ज़्यादा हैं तो वो लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है उनके हो सकते हैं, और जिनका कम है तो वो लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और कोई भी आदमी कट ऑफ बताएगा तो वो प्रेडिक्ट करके ही बताता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही हो। अभी रेलवे में भी आपने देखा था ALP वाले CBT 2 में, सॉरी CBT 1 का जो आया था, बहुत लोग क्या क्या बता रहे थे और क्या आया। तो सब डिपेंड करता है DFCCIL पे, हम लोग कोई नहीं होते हैं इसको मतलब कहने वाले। आप लोग काफ़ी कह रहे थे कि सर्वे का रिजल्ट बताओ, तो मैंने ये बता दिया, आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, आप लोगों ने कहा इसलिए मैंने लाया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून CMT।